स्थान पे पहुंच के किस तरीके से उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया और एक हफ्ते में लगभग 450 बच्चे एडमिशन लिए और 20 लाख रुपए एक हफ्ते में अर्निंग करी। क्या आप करना चाहते हैं ऐसा? अगर करना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए सारे तरीके अपनाइए, आने वाले वीडियोस को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर जो सुंदर जी ने बताया वैसा आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बताई गई वह सभी तकनीक जो इन्होंने भी फॉलो की आप भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, स्कूल में नहीं जाते। स्कूल में तो पोटेंशियल है ही ना। मिस्टर सुंदर को आप देखिए, 20 लाख रुपए की अर्निंग करी, स्कूल में पोटेंशियल है। लेकिन अगर स्कूल में नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोचिंग सेंटर में जाइए, वहां नहीं जाते तो कोई बात नहीं, कोई गैदरिंग करिए उसमें जाइए, वो नहीं करते तो ऑनलाइन सेमिनार करो, वो ही नहीं करते तो 10-12 स्कूल को इकट्ठा करके एक जगह सेमिनार के लिए टीम 360 को बुलाइए। अगर ये भी आप नहीं करते हैं तो ऑनलाइन का सपोर्ट लीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इन पर एड चलाइए। और एड चलाने में भी दिक्कत आती है तो टीम 360 का सपोर्ट लीजिए और एड चलाना सीखिए, उसके बाद में इंक्वायरी आती है उन्हें हैंडल करिए। मैं लाइफ का एक वीडियो बनाने के लिए आपको कहता हूं सिर्फ एक वीडियो बना लो, 3 मिनट का। 3 मिनट का भी इसलिए क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है कि 3 मिनट का ही वीडियो चाहिए। 3 मिनट के वीडियो को ही अपने को डालना है और वही सेम वीडियो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या और भी जहां पर भी यूज किया जाएगा वहां कर सकते हैं। लाइफ का एक वीडियो बनाना है, आप लोगों के लिए वीडियो हो सकता है लेकिन मेरे लिए यह वीडियो सेल्समैन है। ये सभी सेल्समैन है जो मैंने अभी पूर्व में आपको बताया, आपके लिए भी सेल्समैन क्रिएट क्यों नहीं करते आप लोग, क्रिएट करिए। यहां से जाने के बाद वीडियो बनाइए, सीखिए, वीडियो बनाइए, उसको मुंह से बोलिए कंसेप्ट को, उसके कई फायदे होते हैं। किसी पेरेंट ने आपसे इंक्वायरी आई, आपसे बात करी तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं अपना वीडियो आपको भेज रहा हूं, उसको बेहतर तरीके से देखिए, आपको DMIT पूरी समझ में आ जाएगी। ये आप कब बोलेंगे, जब आपके पास वीडियो होंगे। वीडियो ही नहीं है कोई देने के लिए तो ना एड चलेगा, ना कोई कन्विंस होगा, ना खुद की प्रैक्टिस होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए वीडियो के अंत में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, स्टोरी से आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। दोस्तों स्टोरी बहुत कमाल की है, अमेरिका के एक डॉक्टर की रियल घटना है जो कहीं ना कहीं आपको हिट करेगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा स्टोरी से पहले कि किसी भी काम को करें तो उसको पैशन के साथ लव करें, उसको पैशन के साथ काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें। वो काम नहीं तो प्राण नहीं, वो प्राण है तो काम है, इतना उसके साथ में चिपक जाएं तब आपको सक्सेस मिलती है। सारा दिन रात दिन टीम 360 को केवल फ्रेंचाइजी, मिड ब्रेन, ESP, डायनेमिक मेमोरी, DMIT यही दिखाई देता है। आप काटेंगे तो ब्लड के अंदर DMIT निकलेगा, इतना पैशन के साथ लगे हुए हैं। तो चलिए एक स्टोरी सुन लेते हैं। एक डॉक्टर थे अमेरिका के, बहुत जाने माने, और वो डॉक्टर जो है वो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट थे, एकदम पीछे लग जाते थे काम को, लगे रहते थे, सारा दिन लोगों की सेवा करते। एक दिन वो पूरी अपनी प्रैक्टिस करके लोगों मरीजों को देख के रात को 12 बजे घर में लौटे और आके सोए। सोए तो रात को 2 बजे, 2 घंटे बाद ही उनके पास में कॉल आया। उनकी वाइफ ने कॉल उठाया और वाइफ ने बात की और वाइफ भी कुछ सीख गई थी, इसलिए वाइफ भी फोन पे गाइड कर रही थी कि अगर 104 बुखार है तो आप वो ठंडी पट्टी करिए। लेकिन अचानक से सोए हुए डॉक्टर की चेतना ने उन्हें ये गाइड किया कि तुम्हें ये तुम्हारी किसी को जरूरत है। उन्हें अचानक से ऐसा लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा है, और अचानक से उठ बैठते हैं और फोन ले लेते हैं और बात करते हैं और पूछते हैं कितना बुखार है, तो सामने से आवाज आती है 104 से ज्यादा। वो फटाक से मुंह धोते हैं, अपना बैग उठाते हैं और चल पड़ते हैं, क्योंकि जिस जगह रहते हैं उस जगह कुछ जगहों पे गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें पैदल जाना पड़ता है और पैदल में भी सुरंग और जंगल के रास्ते हैं। लेकिन फिर भी वो पैशनेट है अपने काम को लेकर, इसलिए अपना बैग उठाते हैं और चल पड़ते हैं। रात के 2-3 बजे जब चलते हैं तो एक सुरंग में से जाने लगते हैं और अचानक से एक आवाज आती है, अरे ओ डॉक्टर, क्या तुम्हारे पास माचिस है? तो डॉक्टर साहब अपना बैग नीचे रखते हैं, माचिस जलाते हैं। जैसे उस माचिस को जलाते हैं तो उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है, वो उसकी सिगरेट जला देते हैं। वो चले जाते हैं, वहां जाके उस पेशेंट का इलाज करते हैं, दवाई वगैरह देते हैं। वापस रिटर्न में आते हैं तो उसी सुरंग में से आ रहे होते हैं, फिर आवाज आती है, ओ डॉक्टर, क्या तुम्हारे पास माचिस है? वो अपना बैग नीचे रखते हैं, माचिस जलाते हैं और उसको आदमी का चेहरा दिखाई देता है, उसकी सिगरेट लगा देते हैं और चले जाते हैं। घर में आके 3-4 बजे सो जाते हैं। अचानक सुबह 7 बजे फोन आता है उसी डॉक्टर के ऑफिसर का कि डॉक्टर साहब, अपने ही किसी ऑफिसर का बेरहमी से उसे पीटा गया है, लूट लिया गया है, आपकी हमें नीड आई है, इसका इलाज करिए। डॉक्टर भागते हैं, उसका इलाज करते हैं और पूछते हैं, ये हाल इनका किसने किया? बोला, कल ये सुरंग में से जा रहे थे, टनल में से जा रहे थे और अचानक इन पे किसी ने हमला कर दिया, इनको लूट लिया, इन्हें मारा पीटा। तो बोलता है कि वो आदमी कौन है? डॉक्टर ने पूछा, वो आदमी कौन है? बोला, उस आदमी को हमने पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया, पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। बोला, मैं उससे मिलना चाहता हूं,
तो वो जेल में जाते हैं और देखते हैं कि अरे तो वही आदमी है जो रात को सुरंग में बैठा था। उस आदमी से पूछते हैं कि तुमने उसको इतना बहरेमी से मारा, मैं भी तो उसी सुरंग में से जा रहा था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? बोला, दोस्त मैं अकेले आदमी को लूटता हूं, मारता पीटता हूं, मैं तुम्हें भी मार पीट सकता था, पटक पटक के मारता और तुम्हें लूट लेता, लेकिन तुम दो लोग थे और मैं एक ही आदमी को लूटता हूं। आपको समझ में आया कि डॉक्टर साहब के साथ कौन था जिसके कारण उसने हमला नहीं किया? जब किसी काम को आप डेडिकेटेड होकर करते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं, तो एक ईश्वरीय शक्ति, एक डिवाइन, एक सुप्रीम पावर हमारे साथ चल पड़ती है, एक देवी हमारे साथ चल पड़ती है। उस सामने वाले व्यक्ति को वो दो लोग दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसने हमला नहीं किया, क्योंकि उस सुप्रीम पावर को ये पता था कि ये आदमी अपने काम को लेकर पैशनेट है, रात को 2 बजे भी जंगल की ओर निकल पड़ा है पेशेंट को देखने के लिए, और सुप्रीम पावर उनके साथ में हो जाती है और साथ में चलती रहती है, साथ में चलती रहती है। सामने डाकू लुटेरे उसे देखते हैं, दो लोग छोड़ के समझ छोड़ देते हैं उसे कि अरे यार ये दो लोग हैं, इन्हें मारना ठीक नहीं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है अगर आप काम को लेके पैशनेट जोश और जुनून के साथ काम कर रहे हैं कि आपके प्राण नहीं तो DMIT नहीं, DMIT है तो प्राण है। अगर इतने जोश के साथ काम करते हैं तो जब किसी स्कूल में आप जाएंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, सुप्रीम पावर वो आपके साथ में होगी। तो सामने वाले प्रिंसिपल अगर आपको मना करने वाले होंगे तब भी आपका ओरा इतना इफेक्टिव होगा कि आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो काम को लव करिए, पैशन के साथ काम करिए, वीडियो बनाइए, लगन के साथ लगे रहिए, प्रैक्टिस करिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं।